चाहने वाले आशिक ऐसा कहां। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना सीखेंगे। तो अभी कॉपीराइट के कारण हमने जो सॉन्ग है उसको पूरा यूज़ नहीं किया है। तो अगर आपको इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना है तो आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने होम स्क्रीन पर आ जाना है। अलाइट मोशन तो पता ही होगा, तो अलाइट मोशन को आपको ओपन करना है। फिर यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए। यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरह आपको यहाँ पे फिक्स करना है। थोड़ा सा जूम कर लेना है आपको और आपको फिर सेकंड इमेज को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से अपना सेकंड इमेज जो है ले लेते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे करने के बाद यहाँ से फिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ से फिक्स हो गया। फिर आपको जो नीचे वाला इमेज है इसमें इफ़ेक्ट ऐड करना है, जो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जो हम नीचे वाला इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से अपना एक इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ से अदर ऑप्शन दिखा होगा तो उसको क्लिक करना है। फिर वो जो सेकंड नंबर वाला RGB ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग में जाने के बाद फिर आपको यहाँ से जो ऊपर वाला ऑप्शन उसको यहाँ से वाई कर लेना है। फिर जो आपका थर्ड लेयर है उसको भी आपको जी कर लेना है, जो आपका कलर जो है इमेज का चेंज हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से जो स्क्वायर वाला है शेप है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद जो आपको नीचे शेप का ऑप्शन दिख रहा है, जो वाई है आपका, फिर जो आपको वाई ऑप्शन दिख रहा है उसको आपको 750 के आसपास रखना है। तो हम इसको 745 पर रख दिए हैं। फिर जो नीचे वाला एक्स जो है उसको आपको 185 पर रखना है। तो इसको हम 185 पर सिलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जो आपका शेप है उसको हम थोड़ा कलर जो है उसका चेंज कर देंगे। तो यहाँ से जो थर्ड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है उसको सिलेक्ट करना है आपको। फिर जो जो आपका वो ब्लैक वाला कलर जो है आपको एडजस्ट करना है। तो मैं इसको सेंटर में रखने के बाद आपको अपने हिसाब से सेट करना है। तो हमने इसको फिक्स कर दिया इतने पर। फिर यहाँ से आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लाइटन लिखा होगा उस पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन लिखा उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो आपका जो शेप है उसका जो एंगल है हमको थोड़ा सा चेंज करना है। तो आपको इसको थोड़ा सा 10 डिग्री पर रख लेना है। तो हम यहाँ से प्लस 10 डिग्री पर रख लेना है। फिर यहाँ से आपको फिक्स करना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, एडजस्ट करना है। फिर हमारा जो ये शेप है बस अब ओके हो गया। फिर जो इसका ये जो शेप है उसका आपको डुप्लीकेट लेना है। तो हम थोड़ा इसको पहले जूम कर लेते हैं। हम थोड़ा सा जूम करने के बाद जो आपका इसका फिर आपको इस लेयर का डुप्लीकेट लेयर सिलेक्ट करना है। फिर जो आपको सेकंड वाला लेयर है उसको सिलेक्ट करने के बाद जिसका एंगल जो है आपको चेंज करना है। तो इसका जो एंगल है -170 पर करना है। इसको हम 170 पर कर दिए। इसको करने के बाद जो आपका शेप है उसको अच्छी तरह से फिक्स करना है, तभी जो आपका स्टेटस है अच्छा दिखेगा। अब ये हमारा जो है अच्छी तरह से फिक्स हो गया। इसको फिक्स करने के बाद जो आपका फॉन्ट है
अब यहाँ से आपको फॉन्ट इफेक्ट जो है आपको ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद जो आपका टेक्स्ट इफेक्ट है उसको सिलेक्ट करने के बाद जो ये दोनों लेयर है यहाँ से आपको दोनों लेयर को कॉपी कर लेना है। तो हम दोनों लेयर को कॉपी कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो दोनों लेयर है ये कॉपी हो गया। फिर जो ये कॉपी होने के बाद आपको बैक अपने फिर से स्टेटस वीडियो में आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। आपको जो टेक्स्ट है ऊपर में दिखेगा। फिर आपके जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में अच्छी तरह से फिक्स करना है। जो हम दोनों टेक्स्ट को अच्छी तरह से हमने सेट कर दिया है। फिर आपका जो म्यूजिक है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आपका प्लस वाला आइकन है इसको क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो म्यूजिक है म्यूजिक का ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ हमारा जो सॉन्ग है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा सॉन्ग है सिलेक्ट हो गया है। फिर जो आपको सॉन्ग का लिरिक्स है उसको ऐड करना है। दोस्तों आप लोगों को बीच बीच में थोड़ा साउंड जो है साउंड प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि हमने जो अभी है माइक यूज़ नहीं किया है। फिर जो आपका लिरिक्स है इसको ऐड करना है। जो क्रोम दिख रहा है क्रोम को आपको ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो आपका सॉन्ग का लिरिक्स है यहाँ से टाइप कर सर्च करना है। यहाँ से हम सर्च कर लिए। जो सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है इसको ओपन करना है। यहाँ पे जो पूरी सॉन्ग का लिरिक्स है ये आपको यहाँ दिख जाएगी हिंदी और इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश में जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो अपना सॉन्ग का जो लाइन है आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद दिख जाएगी। यहाँ से आपका जो सॉन्ग का लिरिक्स स्टार्ट होगा होंगे बड़े तेरे चाहने वाले। यहाँ से जो आपको टेक्स्ट जो है आपका लाइन है जो यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से आपको कॉपी करने के बाद अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में आ जाना है। फिर आपके स्टेटस वाले जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना है। जो फिर जो आपका सॉन्ग का लिरिक्स है उसको ऐड करना है। तो पहले हम जो इसका जो लेयर है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सारे लेयर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जो इमेज है उसको भी थोड़ा हम फिक्स कर लेते हैं। यहाँ से ये सब फिक्स हो गया। फिर जो आपका सॉन्ग का लिरिक्स है ऐड करना है। फिर जो सॉन्ग का इफेक्ट है उसको फर्स्ट लेयर में सिलेक्ट करने के बाद जो आपको यहाँ पे जो सॉन्ग का लिरिक्स है उसको टाइप कर देना है। तो हम लोग यहाँ से टाइप कर लेते हैं। यहाँ से इतना टाइप कर लेते हैं बस। जो आगे का लेयर्स है यहाँ नीचे में ऐड कर देंगे। फिर जो आपको फर्स्ट वाला लेयर है उसमें आपको टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ से जो आपको इसका जो टेक्स्ट है सेकंड वाला जो टेक्स्ट है उसको हम ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद तो थोड़ा सा हम पिक कर लिए। यहाँ से फिक्स जो हो गया उसके बाद जो सेकंड वाला लाइन है हम उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ से जो सेकंड वाला लाइन है उसको भी यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। इसका जो हमने अभी फॉन्ट जो ऐड किया है दोनों लेयर में तो फॉन्ट को कैसे ऐड करना है तो हम इसको वीडियो के एंड में बताएंगे आपको। तो हम जो आपका अपना जो सेकंड लेयर है उसको हम थोड़ा सा फिक्स कर रहे हैं। ये थोड़ा हो गया उसके बाद जो सेकंड वाला फॉन्ट है हम उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ से जो थर्ड वाला जो फॉन्ट है उसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से जो थर्ड वाला फॉन्ट है उसको ऐड हो गया है। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं बस कुछ इस तरह से जूम हो गया। ये जो आपका लाइन है बस अब फिक्स हो गया। देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद जो सॉन्ग का जो लाइन है कि उसके बाद जो सेकंड लाइन है हमको ऐड करना है। ये जो आपका
फॉन्ट इफेक्ट है इसको कॉपी करने के बाद साइड में पेस्ट करना है। दोनों लेयर को कॉपी करने के बाद साइड में पेस्ट कर देना है। यहाँ से हम दोनों लेयर को जो है पेस्ट कर दिए हैं, थोड़ा साइड से हम इसको फिक्स कर लेते हैं। इतना सा जो है अपना फिक्स हो गया। इसके बाद जो सेकंड वाला आपका लाइन है इसमें ऐड करना है। फिर जो सेकंड लाइन भी है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में आपको इसको पहले जो है इतना सा कट करके आपको जो सेकंड वाले में जो लेयर्स है उसको ऐड कर लेना है। बस इतना सा ऐड करना है। इसके बाद जो सेकंड वाले लेयर में है उसमें भी आगे का लेयर्स ऐड कर लेना है। जो दोनों लेयर में हमारा जो सेकंड लाइन भी है वो भी ऐड हो गया है। अब कुछ इस तरह से हम बड़ा बड़ा कर देते हैं थोड़ा। आगे का जो आपका लाइन है आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। हमने जैसे दो लाइन बताया उसी तरह से आपको आगे का जो है लाइन भी ऐड करना है। होंगे तेरे बड़े चाहने वाले आशिक ऐसा कहां। बस अब जो आपका जो स्टेटस है बस रेडी हो गया। तो आपको अपने हाईलाइट मोशन एप्लीकेशन में आ जाना है। आपको हाईलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको कोई भी एक जो प्रोजेक्ट होगा उसको ओपन करना है। तो हमने जो अपना टेक्स्ट इफेक्ट प्रोजेक्ट है उसको ओपन करते हैं। इसमें आपको जो आपका फॉन्ट है इसमें ऐड करके बताएंगे आपको। कुछ इस तरह से देखिए, जो आपका फर्स्ट वाला लेयर है इसमें आपको पहला वाला जो फॉन्ट है उसको ऐड करते हैं। फिर आपको फर्स्ट वाले लेयर में आपको फॉन्ट ऐड करते हैं। तो ऊपर में जो कॉर्नर है उसके बाद जो नीचे लिखा होगा देखिए व्यू ऑल फॉन्ट इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ जो कॉर्नर में टच करना है, टच करने के बाद नीचे लिखा होगा इम्पोर्ट फॉन्ट लिखा होगा तो उसको सिलेक्ट करना है आपको। जो भी आपका फॉन्ट है तो हम जो अभी फर्स्ट नंबर पे फॉन्ट है उसको हम ऐड करते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट कर लिए। जो आपका जो फॉन्ट है देखिए फिफ्थ नंबर पे आ गया है। तो हमारा जो फॉन्ट है फिफ्थ नंबर पे आ चुका है ऑलरेडी पहले से ही। अब इस फॉन्ट को हम ऐड करते हैं। ये देखिए जो ये फॉन्ट है आपका फर्स्ट लेयर में ऐड हो गया है। कुछ इस तरह से इशू होगा। तो आपको सेकंड वाला भी जो फॉन्ट है आपको सेकंड लेयर में ऐड करना है। तो उसी तरह से जो आपका ऐड करना है फिर यहाँ से कॉर्नर में जाने के बाद इंपोर्ट फॉन्ट में फिर जो आपका सेकंड फॉन्ट है उसको भी ऐड कर देना है। जो आपका सेकंड और नंबर का जो फॉन्ट है आपको सिक्स नंबर पे दिख जाएगा। तो हमारा जो फॉन्ट है वो भी ऐड हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका जो दोनों फॉन्ट है वो ऐड हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना है। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट स्टेटस वीडियो में मिलेंगे।